रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर, क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो।